हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि सर, आज क्लास 12 के लिए लेसन 5 इंग्लिश में द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय A.L. वासनी। अगर हम इस पार्ट को बांटें अगर तो हम इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं क्या रिलीजियस ड्यूटी है, क्या गांधी जी का थीम था सोशल सर्विस को लेकर के, और गांधी जी फेवर्ड वुमेन्स राइट क्या उन्होंने महिला अधिकार के लिए क्या उन्होंने फेवर किया, और क्या हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता सिविलाइजेशन थी, और क्या परिवर्तन हुआ भारत के आजाद हो जाने के बाद। हेरिटेज ऑफ इंडिया मतलब भारत की विरासत, क्या विरासत में हमको मिला। तो अगर हम इंट्रोडक्शन को अगर पढ़ते हैं तो आता है द राइटर A.L. वासनी, ए फेमस स्कॉलर, बड़े अच्छे विद्वान थे राइटर इस पार्ट के, सेज दैट इंडियन कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूस बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर। भारत की जो सभ्यता थी, यहां बहुत से विदेशी सभ्यताएं संस्कृतियां आई, लेकिन सब भारतीय संस्कृति और सभ्यता में एब्जॉर्ब हो गई, समाहित हो गई। इट इज स्टिल गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द वेस्ट इंडियाज कल्चर वैल्यूज एंड फेथ विल नेवर बी लॉस्ट। बहुत सी पश्चिमी सभ्यताएं आई, भारतीय संस्कृतियों पर प्रभाव भी डाली, कुछ प्रभावित भी हुए, लेकिन जो भारतीय परंपराएं और संस्कृतियां थी वह कभी भी लॉस्ट नहीं हुई, वह कभी भी गायब नहीं हुई, कभी भी इधर उधर नहीं हुई। वह भारतीय संस्कृति के अनुसार लोगों ने वेस्टर्न सभ्यता को भी अपनाया, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो यह था हमारा इस पाठ का एक प्रस्तावना कह लीजिए, इंट्रोडक्शन कह लीजिए। अब हम आते हैं रिलीजियस ड्यूटी क्या था उस जमाने में, उस समय जो परिवर्तन हुआ विरासत में, उस समय रिलीजियस ड्यूटी हमारी क्या थी। अब आता राजा राम मोहन राय वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। राजा राम मोहन राय आए, वह एक बड़े सामाजिक समाज सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद हैड ए फर्म बिलीफ इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। फिर स्वामी विवेकानंद आए, जिनको सोसाइटी के हर एक चीज माने समाज के हर एक चीज में बड़ा विश्वास था। ही डिक्लेयर्ड दैट द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस टू द ग्रेट मदर। उनका कहना था कि अगर हमको समाज सुधार करना है, अगर हम समाज सुधार करना चाहते हैं, तो हमको अपने मदर लैंड की, अपने मातृभूमि की सेवा करनी होगी, तब हम जाकर के सोशल सर्विस समाज सुधार अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हम आते हैं गांधी जी थीम ऑफ सोशल सर्विस, गांधी जी का क्या विचारधारा था, क्या थीम था, क्या विचार था सोशल सर्विस के प्रति। अब इसको हम देखते हैं अगर, तो गांधी जी एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट। गांधी जी ने ज्यादा वकालत किया नारियों के राइट का, अधिकार के बारे में। इट वॉज एन अकाउंट ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन हिम, क्योंकि गांधी जी थोड़े से वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। गांधी जी की जितनी आप अगर हम एजुकेशन देखें, अगर शिक्षा देखें, तो वेस्टर्न कंट्रियों में ज्यादा थी, तो वहां के कल्चर को देखते हुए वह थोड़ा सा बदलाव चाहते थे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में भी। दिस फीलिंग इंटरलिंक्ड द हार्ट ऑफ द पीपल टू सर्व देयर मदरलैंड इंडिया। वह चाहते थे कि लोग जो है अपने हृदय के अत्यधिक विचारधाराओं से भारत, अपने मदरलैंड इंडिया की जो है वह सेवा करें। ही बिलीव इन हिज एंशियंट कल्चर फंडामेंटल्स, वह प्राचीन जो भी संस्कृतियां थी, जो मूल सिद्धांत थे, उस पर भी वो विश्वास करते थे। वह चाहते थे पश्चिमी सभ्यता के साथ हमारे जो प्राचीन मूल सिद्धांत हैं वह भी बरकरार रहे। ही बिलीव इन नॉन वायलेंस, वह अहिंसा के पुजारी थे, वह हिंसा से कोई चीज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अहिंसात्मक रूप से कोई भी कार्य जो हो वह संपन्न किया जाए। अब आप आते हैं इसके चौथे थीम पर, तो देखते हैं गांधी जी फेवर वुमेन्स राइट, गांधी जी ने क्या फेवर किया नारी अधिकारों के बारे में उस समय में। तो महात्मा गांधी एडवोकेट वुमेन्स, उन्होंने भारतीय नारियों के सब चीज के लिए जितनी भी अधिकार थे उसका उन्होंने बड़ा फेवर किया, बड़ा वकालत किया उन्होंने, जो चाहते थे कि भारतीय संस्कृति जो है वह पश्चिम सभ्यता के साथ और भी चले।
इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वाज ऑलवेज रादर ए इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवाद या विचारधारा के नहीं थे वो, कि हम किसी चीज से बंधे रहे, वो नहीं चाहते थे बार बार हम किसी बंधन में बंधे रहे। वो चाहते थे लोग स्वतंत्र हो, अपनी विचारधारा को अलग दृष्टिकोण में अलग जगह लोग ले जाए। ही गेव ए न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सेग्रीगेशन। कहते हैं समानतावादिता जो थी उसको वो एक नई दिशा देना चाहते थे। समानतावाद जो चाहते थे वो कि सभी लोग समान रूप से रहें, उसको एक नई दिशा एक नई सोच के साथ वो आगे बढ़ाना चाहते थे। दो इंडिया फेस मेनी प्रॉब्लम ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली फ्रंट येट इंडिया हैव बीन रूटेड ऑफ देयर ट्रेडिशन। भारत जब आजाद हुआ तो विरासत के रूप में हमको बहुत सी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक बहुत सी हमारे पास कमियां थी, उन सभी कमियों को दूर करते हुए गांधी जी एक अपना विचार रखना चाहते थे कि हर तरह से हम आगे बढ़ें और अपने रूट को अपने जड़ों को अपने परंपराओं को न छोड़ें। जो परंपराएं हमारे लिए अच्छी थी उस समय में उस परंपराओं के साथ रहते हुए हम इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली या सोशल रूप से आगे बढ़ते जाएं। यह गांधी जी का अपना एक सोच था। अब हम पांचवें हेडिंग पर आते हैं हिंदू सिविलाइजेशन। अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं हिंदू सिविलाइजेशन हैज रिसीव एलिमेंट ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर। भारतीय जो भारतीय सिविलाइजेशन सभ्यता थी बहुत से तत्व इसके अंदर समाहित हुए। बहुत से लोग भारत में आए बाहर के देशों से, धीरे धीरे भारतीय सभ्यता में वो क्या हो गए समाहित होते चले गए। इंडो यूरोपियन कुछ यूरोप से लोग आए, मेसोपोटामिया से आए, ईरानियन आए, ग्रीक आए, रोमन आए, सिथियन आए, टर्किश आए, पर्सियन आए, अरब से लोग आए। भारत में बहुत सी सभ्यताएं आई, टर्की से भी आई, अरब से भी आई, ईरान से भी आई, यूरोप से भी आई, बहुत सी सभ्यताएं। लेकिन धीरे धीरे वो सभ्यता भारतीय संस्कृति और सभ्यता परंपराओं के अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती चली गई, समाती चली गई। इट एडॉप्ट एंड डिस्कस्ड देम, और जो है सबको भारतीय सभ्यता ने अपने अंदर क्या किया मिला लिया। दिस कंसेप्शन मेड द पीपल टूवर्ड नेशनैलिटी, और यही कंसेप्शन यही विचारधारा जो थी यही सोच जो थी एक नेशनैलिटी के रूप में एक राष्ट्रीयता के शिखर पर पहुंचने लगी। सारे देशों की परंपराएं मिलकर के भारत की सभ्यता संस्कृति में मिल गई, यही हमारी एक राष्ट्र की पहचान होने लगी। हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, लेकिन भारतीय संस्कृति सभ्यता जो थी हिंदू धर्म की संस्कृति वो हमेशा विकसित होती रही आगे बढ़ती रही। इंडियन आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय भगवत गीता एंड उपनिषद। भारत के लोग जो थे वो गीता और उपनिषद के विचारों से बड़े प्रभावित थे। गीता क्या कहता था और महाभारत, महाभारत कहता था एक्शन लीजिए और गीता कहता था आप क्या कीजिए विचार रखिए अपना। दे बिलीव इन एक्शन एंड थॉट, एक्शन और थॉट में विश्वास था दोनों का। एक कहता था एक्शन करने के लिए, एक कहता था विचार करने के लिए। तो लोगों का झुकाव था गीता और किस पर उपनिषद पर। अब आते हैं न्यू चेंज इन इंडियन कल्चर, क्या बदलाव हुआ लोगों के। समाज सुधारक जो भी आए, डॉक्टर राजा राम मोहन राय आए, स्वामी विवेकानंद आए, महात्मा गांधी जी आए और भी समाज सुधारक आए, तो उन्होंने क्या बदलाव करना चाहा। जो पुरानी परंपराएं रूढ़िवादी परंपराएं थी उसके अंदर क्या बदलाव, क्या बदलाव चाहते थे। इंडियन कल्चर हैज रिजेक्टेड ओल्ड ट्रेडिशन विच वेयर यूजलेस। उस समय जो यूजलेस थी हमारे लिए बेकार थी जो चीज, जो ट्रेडिशन जो परंपराएं बेकार थी उसको हम डेक्रेट करना चाहते थे, त्याग देना चाहते थे, छोड़ देना चाहते थे। वी डू नॉट सी एनी ऑफ द एक्सट्रावेगेंट एंड हार्मोनियस हेक्टॉम ऑफ वैदिक एज। जो वैदिक एज में जो वैदिक काल में जो उत्तेजनात्मक चीजें थी उनको हम अपने आप से कटना चाहते थे, नई चीजों के साथ जुड़ना चाहते थे। कुछ ऐसी परंपराएं ऐसी सभ्यताएं थी जो हमारे लिए आज के समय में नहीं अच्छी थी, उनको हम छोड़ करके एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। दे ऑल हैव बीन फॉरगॉटन, हम धीरे धीरे सबको फॉरगेट करना चाहते थे।
भूलना चाहते थे उस वैदिक समय की परंपराओं को, विचारधाराओं को। एनिमल सेक्रीफाइस जानवरों का बलिदान था, जैसे हैज ऑल्सो बीन चेक्ड वीडियोज आर नॉट बर्न, और जो जिनके पति मर जाते थे, जो विधवा हो जाती थी, वह अपने पति के चिता पर सती हो जाती थी, बर्न हो जाती थी, जा जाती। इन परंपराओं से हम मुक्ति चाहते थे। विद देयर हस्बैंड्स ऑन देयर पायर, पैर को पता चला वो अपने हस्बैंड के चिता पर जाकर के बैठ जाती थी। तो उन सब परंपराओं से, उन सब रूढ़िवादी विचारधाराओं से जो वैदिक काल में हुआ करते थे, उनसे हम मुक्ति चाहते थे। चाइल्ड मैरिज आर बैन बाय लॉ, नियम बनाया गया कि बाल विवाह ना किया जाए। बाल विवाह एक गलत परंपरा के तरफ थी, उसको एक सुधार की आवश्यकता थी, उसके लिए एक नियम बनाया गया। अनटचेबिलिटी अछूत, छुआछूत की भावना इज गोइंग डिसअपियर बाय एंड बाय, धीरे धीरे समय के अनुसार छुआछूत की भावना, बाल विवाह जब नियम बनने लगे तो यह धीरे धीरे एक नए जनरेशन के साथ दूर होती चली गई। द टेम्पल आर ओपन टू ऑल सेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कास्ट सिस्टम इज वैनिशिंग, जो जाति प्रथा थी वो वैनिश होने लगी, समाप्त होने लगी, और एक सभी के लिए मंदिर के द्वार खोले जाने लगे कि सभी लोग अपना धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, जो भी जिस धर्म का अनुयायी हो, और जो नई पुरानी चीजें थी उनको छोड़ करके एक नई चीजों की तरफ हम आगे बढ़ें। और अगर हम इसमें थोड़ा और देखते हैं, अगर हम हिंदू सिविलाइजेशन विल बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हिंदू सिविलाइजेशन अपने आप को बनाए रखना चाहती थी, और बहुत से उपनिषद भगवत गीता में बहुत चीजों के बारे में बताया गया। पीपल विल स्टिल लव द टेल ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत एंड रामायण एंड द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड सम्भुदत्त, लोग उस समय जो महाकाव्य लिखे गए, जैसे महाभारत लिखा गया, रामायण लिखा गया, दुष्यंत शकुंतला की कहानी लिखी गई, इससे लोग बड़े प्रभावित होते थे। इन करेक्टरों से, इनके द्वारा जो करेक्टर डाले गए थे, उन करेक्टरों से लोग प्रभावित होते थे। तो इस तरह की परंपराओं को विकसित किया गया। उर्वशी और पुरवरा, पुरूर्वा और उर्वशी की कहानी थी, इस तरह से लोग अपना उस टेल के जरिए, उस कहानी के जरिए, उस महाकाव्यों के जरिए अपने आप को चाहते थे बदल देना। और जो कास्ट सिस्टम था, यह लोगों को विश्वास था कि जैसे जैसे एक पीढ़ी नई के बाद दूसरी पीढ़ी, नई जनरेशन आएगी, वह धीरे धीरे वैनिश होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडॉप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन, और जो पुराने, जो आज की समय है, वह ओल्ड फैमिली डेज का जो सिस्टम है वह धीरे धीरे लागू हो जाएगा। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अलर्टिंग, और भारत जो था, भारत का जो फेस है, भारत का जो शक्ल है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बदल रहा है और बदलता रहेगा। बट द कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूअस एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति हैं, वो कभी लॉस्ट नहीं होगी, लेकिन एक नए विचारधारा के साथ हम अपने देश को, अपने संस्कृति को सुरक्षित रख के आगे बढ़ते हैं। यही हमारा पाठ या हेरिटेज ऑफ इंडिया आपको बताता है। अब हम आते हैं इस लेसन के शॉर्ट आंसर पर। इससे है पहला प्रश्न, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट, क्या वकालत किया उन्होंने। राम मोहन राय वाज ए सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे। ही एडवोकेट दैट द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ द मदरलैंड वाज सोशल रिफॉर्म, यानी मातृभूमि की सेवा करना ही एक समाज सुधार है। दूसरा प्रश्न आते हैं, व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद मेक टू द इंडियन सोसाइटी, इन दोनों ने भारतीय समाज में, भारतीय उसके अंदर क्या थी, अपना योगदान दिया समाज सुधार के प्रति। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म विद हिज पैशनेट टिम्बर, जबकि स्वामी विवेकानंद रिपीटेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म विद मोर नेशनलिस्टिक टिम्बर, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित किया हुआ। तीसरे प्रश्न बताते हैं, व्हाट इज गांधी जी'स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर, देखते हैं। गांधी जी बिलीव इन फंडामेंटल्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन कल्चर, गांधी जी डिड नॉट लाइक कास्ट सिस्टम, ही हैड पैशनेट लव फॉर पुअर
Thus he gave Indian culture new direction and new life. Question number 4 for answer mein, how will Hindu civilization retain its continuity? Isko dekhte hain, the Hindu civilization will retain its continuity through the preaching of Bhagavad Gita, the Upanishad, Mahabharat and the Ramayana. It will get inspiration from the love of Dushyant and Shakuntala. Ab hum aate hain question number 5 par. What does the heritage of India consist of? The heritage of India consists of quiet and happy way of life. कैसे जीवन जो है हमारा खुशी से गुजरता जाएगा. दिस वे ऑफ लाइफ कंटिन्यूअस टू एक्सिस्ट डिस्पाइट मेनी मॉडर्न चेंजेस इन द एंशिएंट कल्चर. बहुत से आधुनिक बदलाव चाहिए प्राचीन सभ्यताओं प्राचीन परंपराओं को छोड़कर के आज के समय के अनुसार. यह था हमारा शॉर्ट आंसर इस पार्ट का और ये पार्ट समाप्त होता है.